हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में, मानचित्र के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलों के बारे में, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम लोग दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख झीलों के बारे में। याद रखिए, आपके जितने भी मैप से संबंधित चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, वो सभी आपको मैप्स के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका की स्थिति, देख लेते हैं मैप में कहाँ स्थित है, ठीक। ये आपकी प्यारी पृथ्वी है, इसमें हमारा प्यारा इंडिया एशिया में, ये हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है। ये आपका एशिया है पूरा, नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ऊपर यूरोप है आपका, ठीक है। ये आपका अफ्रीका है, और फिर ये आपका उत्तरी अमेरिका है, और नीचे आपका दक्षिणी अमेरिका है। हमें बात करनी है दक्षिणी अमेरिका के बारे में, ठीक है। तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका, क्या है ये है, इसमें देखिए फ्रेंच गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर है, ये पेरू है आपकी, ब्राजील है, बोलिविया है, सुरीनाम है, ठीक है, ब्राजीलिया, बोलिविया, पराग्वे, चिली, ठीक है, अर्जेंटीना, ये यूरुग्वे है, ठीक, रियो द जेनेरो यहाँ है, ठीक। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, और यहाँ आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी की स्थिति देखना है, इसी में देखना है हम लोगों को दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलों के बारे में। तो चलिए इनकी पहले स्थिति देख लेते हैं। इनकी ऊपर बात करें तो ये है आपकी मारा काइबो झील, ठीक है। तो याद रखिए इसके बारे में, वेनेजुएला के उत्तर में स्थित एक झील पेट्रोलियम समृद्ध क्षेत्र है। यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, मारा काइबो झील, ठीक है। फिर आपकी यही वालेंसिया वालेंसिया झील है, ये वालेंसिया झील वेनेजुएला के उत्तरी भाग में स्थित एक झील है, जो काराकस के दक्षिणी पश्चिम स्थित, इसे टाकारी गुआ भी कहा जाता है, टाकारी गुआ भी, ठीक, गुआ। यहीं फिर आपकी एक टीटिकाका झील है, टीटिकाका झील के बारे में याद रखिए, पेरू तथा बोलिविया की सीमा पर एंडीज पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित एक मीठे मीठे जल की झील है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इसका जल डेसा गुआडेरो नदी से दक्षिण बढ़कर पोपो झील में पहुंचता है। विश्व की सबसे ऊंची नौका झील है, ठीक, पोपो झील, नीचे आपकी पोपो झील है। बोलीबिया में स्थित मीठे पानी की झील यह डेसा गुआडेरा नदी द्वारा टिटिकाका झील से संबद्ध है, ठीक है, जुड़ी हुई है। नीचे आए तो आपकी ये आयर्स झील है, यही आपकी पोटास झील है, कौन सी, पोटास पोतास पातोस भी बोलते हैं। मीरिम झील के उत्तर में, मीरिम झील के उत्तर में तट के सहारे स्थित एक लैंगून झील है, ठीक है। ये आपकी मेरिम झील है, ब्राजील के दक्षिणी भाग में स्थित है, लैंगून झील, ये भी है। आपकी अर्जेंटीना झील है, ये आपकी अर्जेंटीना झील है, और यही आपकी मार्ची क्वेटा झील है, आपकी अर्जेंटीना में स्थित मीठे पानी की झील है, ठीक। तो ये थी आपकी दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें, ठीक है। यहाँ इनके पॉइंट दिए गए जो आपको याद रखना है। टिटिकाका झील के बारे में आपको याद रखना है कि पेरू तथा बोलिविया की सीमा पर एंडीज पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित एक मीठे जल की झील है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इसका जल डेसा गुआडेरो नदी से दक्षिण बहकर पोपो झील में पहुंचता है। फिर है वो वालेंसिया झील आपकी,
ये वेनेजुएला के उत्तरी भाग में स्थित एक झील जो काराकस के दक्षिण पश्चिम स्थित, इसे टकारीगुआ भी कहा जाता है। फिर आपकी पोपो झील है, बोलीविया में स्थित मीठे पानी की झील, यह डेसागुआ डेरा नदी द्वारा टिटिकाटा झील से संबद्ध है। ठीक है, फिर और नीचे आए तो आपकी ये आपकी मराकाइबो झील है, वेनेजुएला के उत्तर में स्थित एक पेट्रोलियम संबद्ध क्षेत्र है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, फिर मेरेम झील है आपकी, ब्राजील के दक्षिणी भाग में स्थित एक लैंगून झील है आपकी। फिर पोतास झील, मेरेम झील के उत्तर में तट के सहारे स्थित एक लैगून झील है। ठीक है, तो ये थी आपकी दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख झीलों के बारे में। आगे बात करेंगे अफ्रीका की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है,